जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। और पेंसिल रिलेटेड जो भी मैंने पीसीडीए के लिए वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो मेरी उड़ा दी यूट्यूब ने, क्योंकि वो बोलता है कि सिया वायलेंस कर रहे हूं, जबकि हमारे हमेशा शब्दों में गरिमा और जो मैं भाषा में मर्यादा मैं पक्का रखता हूं, लेकिन अगर एक सैनिक के साथ में अन्याय हो तो हमारा दायित्व और फर्ज भी बनता है कि हम इसके लिए हम आगे आवाज़ उठाएं, ताकि किसी और सैनिक के साथ में ऐसा न हो। मैंने वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लगा कि और बहुत सारे जनों ने वीडियो बना दी है कि जो घटनाक्रम मेरे साथ हुआ पेंशन रिलेटेड, वो बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ में ही हुआ है। और इवन चलिए, हम लोग तो फिर भी एक्टिव रहते हैं, पता रहता है, सोशल मीडिया से टच में रहते हैं कि क्या हमें मिला है क्या नहीं मिला है, लेकिन सोचिए ऐसे बहुत सारे पुराने पेंशनर हैं जिनके यहाँ की नेट की सुविधा नहीं है, उनको ये पता नहीं होता कि ये हमारा पैसा आया किस बात का है। लोगों को बस ये पता चलता है कि भैया ठीक है, ये पीसीडी की तरफ से आया है, हमारे पेंशन है, लेकिन उनको झटका तब लगता है जब उनकी पेंशन अगले महीने से कट के आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो हमने वीडियो बनाई, इससे बहुत सारे लोग जागरूक भी हुए हैं और सबने अपनी अपनी शिकायतें आगे करी है। और मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि सर हमारा भी एरियर जो है वो कट के आया है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो सोशल मीडिया आजकल एक छोटा मोटा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, ये लोगों को जागरूक करने का बहुत बड़ा मुद्दा भी है। जैसा हमारे साथ में अगर जाने अनजाने में मान लिया जाए कि किसी चाहे इसमें हमारे रिकॉर्ड क्लर्क की गलती हो चाहे पीसीडी की गलती हो, कम से कम हमने वीडियो बनाई, लोगों को बताया कि आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे शिकायतें भी कर सकते हैं, तो कई लोग और भी जागरूक हुए हैं और कई लोगों ने अपनी बात आगे भी रखी है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने आप को छोटा या किसी प्रकार से वो चीज़ ना समझें। आज जमाना पढ़े लिखों का है और कोई भी आपकी जो शिकायतें हो सकती हैं आप ज़रूर उस चीज़ को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो मुझे कॉम्पिटिशन की राशि है वो मुझे 2,30,000 के करीब मिली थी और मेरा जो ब्याज काट रहे हैं उसमें वो 6,600 रुपये काट रहे हैं। अभी मेरा कॉम्पिटिशन पीरियड 9 साल का बचा हुआ है। आज सोचिए कि 9 साल में तिगनी राशि वसूल रहे हैं। और भाई मेरी कास्ट मालिया मोदी चौकसी तो है नहीं कि जो कि गवर्नमेंट मेरा कर्जा माफ़ कर देगी या मोदी सरकार हमारा कर्जा माफ़ कर देगी। भैया हम तो नॉर्मल खानदान के, मेरा नाम मनोज धारियाल है और मैं तो फौजी परिवार से हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड भी कोई पॉलिटिकल नहीं है कि जो मेरा गवर्नमेंट ये पैसा दिया हुआ कर्जे के रूप में वापस कर दे। तो हम अपनी ईमानदारी मेहनत की, हमने आज तक रोजी रोटी कमाई है और हम सरकार से भी यही दुआ करते हैं कि प्लीज़ ऐसे ही हमें रहने दिए, ये ना करिए कि आप हमें बिना मतलब का अच्छा। और किसी लोगों ने मुझे एक नया पॉइंट और बताया है कि 5 साल के बाद में आपसे ज़बरदस्ती कोई कम्यूट नहीं दे सकता है, और जबकि मुझे रिटायरमेंट हुए 6 साल से ऊपर हो गए हैं और अभी मैं कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी नहीं हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। तो मुझे ये बताया गया लोगों ने जो और भी हमारे एयरफोर्स के भाई हैं कि 5 साल के बाद में गवर्नमेंट आपको ज़बरदस्ती कम्यूट नहीं दे सकती है। तो इसके बारे में भी लीगल चर्चा चल रही है, हालांकि मैंने इस वर्ष के थ्रू भी ग्रेवांस में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसका कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कि ये इन प्रोग्रेस है, यानी कि इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, प्रोग्रेस है। अब मैं भी इनका वेट कर रहा हूँ। साथ ही मुझे एक लोगों ने और दिल्ली का मुझे एक नंबर प्रोवाइड किया है जो कि हमारे पेंशन संबंधी निवारण के लिए काम करते हैं, जिसका नाम है रक्षा पेंशनर शिकायत निवारण। तो उसके भी नंबर मिले हैं, मैंने भी उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी अपनी लिखित में शिकायतें दीजिए और 15 दिन के अंदर में आपको उसका भी फीडबैक मिल जाएगा। हालांकि अभी मैं स्पर्श का वेट कर रहा हूँ, अगर स्पर्श के थ्रू अगर अच्छी खबर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, मेरा कम्यूट वापस डिडक्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो फिर मैं वाकई में जरूर रक्षा सूत्र के रक्षा पेंशन निवारण में शिकायत करूंगा और अपनी अपनी जो हक की आवाज़ है जो या हमारे साथ में जो जाने अनजाने में जो ये हो गया है कम्युनिटी का पैसा हम पे थोप दिया गया है वो वापस करा के ही रहूंगा। और आप किसी के ऊपर में थोप नहीं सकते हैं और ये किसी संस्था के खिलाफ ये वीडियो या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक जागरूक के लिए है ताकि कोई पुराना पेंशनर है उसको अगर पता ना हो तो वो भी जागरूक हो और वो भी देख लें और उनको पता चले कि अपना नेक्स्ट स्टेप हमने एज ए रूल्स क्या करने हैं, कैसे हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने फौजी भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।